यहाँ पे पेट्रोल आया मेरी टंकी में 545, क्योंकि पहले से थोड़ा डला हुआ था। यहाँ से राइड होती है हमारी स्टार्ट, और थोड़ी सी बात करेंगे आगे चल के। घर से क्यों नहीं रिकॉर्डिंग की, अभी चलते हैं थोड़ा बाइक खींचते हैं, आगे का सफर बहुत लंबा है अभी। टूर की पहली पनौती हुई है, अभी सिंगल बॉर्डर पार किया है जस्ट, और इनका फ्यूज उड़ गया बाइक का, सारी लाइटें बंद हो गई हैं। दूसरा इनके बाइक में हवा भी कम है। ये चेंज करके देखो ना, एक्स्ट्रा है इसमें, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, वो तो एक्स्ट्रा है, मगर ये गर्म हो रहा है। तेल नहीं, ये टेप पिघल रही होगी, ये टेप तेल है। तो अभी देखते हैं आगे तेल को मिलता है। पानीपत से कुछ लगभग 60-70 किलोमीटर आगे कोई जगह है, ये नाम थोड़ा अजीब सा है, पता नहीं क्या है। ग्लव्स कहाँ गए, ग्लव्स ये रखे, नींद आने लगी है थोड़ी थोड़ी। कोई अंगड़ाई तोड़ रहे हैं, नींद आने लगी है। ओके ओके, ये देखो इनका कैमरा किधर घूम। अच्छा चुका है 5, और ठंड यहाँ पे इतनी ज्यादा हो गई है ना, सबके गर्म कपड़े बाहर निकल आए हैं, इनकी शक्ल देखो, ठंड इनके मुंह से टपक रही है। ठंड नहीं टपक रही है, मौज हो रही है, मौज नहीं हो रही है। अभी सो रहे थे तो मच्छरों ने उधेड़ दिया, तो उनका मांस कम हो गया थोड़ा सा, इसलिए चुपचाप बैठे हैं। मच्छर यार हो रहे हैं। निकले चलो, मनाली बाकी है अभी 300 किलोमीटर समथिंग, 300 किलोमीटर यानी कि 8 घंटे। आठ घंटे की जगह हमें लगेंगे 12 घंटे, क्योंकि आधे आधे घंटे तो हम रेस्ट मार लेते हैं। इधर मॉर्निंग हो चुकी है अपनी, इधर सूर्य देवता मेहरबान हो रहे हैं। हमारी ग्रुप की स्त्री इनको देखो, इनका काम ही कभी खत्म नहीं होता है, इनकी पैकिंग चलती रहती है। जब देखो अभी चाय बन रही है, यहाँ से चाय पियेंगे। अभी मनाली बचा है यहाँ से लगभग 280 किलोमीटर। अभी सुशील मस्त रहते हैं अपने आप में, सुशील भाई उनके अपने ही झंझट खत्म नहीं होते हैं, दूसरों में तो जब व्यस्त होंगे वो, ये अपने आप में ही खोए रहते हैं। यहाँ थोड़ी तारीफ चल रही है सुशील भाई की, सुना नहीं सकते क्या ही तारीफ चल रही है। अभी 280 किलोमीटर है, पता नहीं कब तक ही पहुँचेंगे, रात के 10 बजे चले चले तो अभी 250 किलोमीटर कवर किया है। अभी चाय पी के निकलते हैं इधर से, तो बाइक चलाकर बहुत थक गए हैं अभी। यहाँ पर ये देखो सो रहे हैं, जब से चाय पी है मुश्किल से 5 किलोमीटर भी नहीं चले हैं, उसके बाद यहाँ पे सो रहे हैं। अभी पता नहीं है कब तक सोएंगे, ऐसे पड़े हुए हैं रोड के किनारे जैसे लावारिस लेटे होते हैं ना। देखो
देखो क्या ही शानदार लगता है। मजे आ गए बुद्धे। ये देखो हमारे ग्रुप के जानवर, अभी अभी आया हूँ, इतने में दो दो चार छह प्लेट खा चुके हैं ये। चाहता क्या है, खाए ना बताओ। ऐसे कंजूस आदमी बोल रहे हैं कि खाने के लिए खाते पीते करते हैं, खाने के लिए मना करते हैं। गरीब को पूछा नहीं, छह प्लेट खा के बैठे हैं, आठ भी खा जाएंगे। ये देखो कितनी मासूम सी शक्ल बनाए हुए हैं इनकी, शक्लें देखो। मैंने तो खाया ही नहीं। खाया नहीं आकर? मैं तो ये देखो मैं तो जस्ट अभी आया, दांत पिला रहा है। ये देखो मैं चाय पी रहा हूँ, चुस्की मार रहे हैं। मैं चाय पी रहा हूँ, बढ़िया चाय है, बढ़िया नहीं। अभी 40 किलोमीटर तक का गड्ढे का रास्ता है, वो कंप्लीट करने के बाद ब्रेक लेंगे अगला। मीना कुमारी अच्छी लगी। वहाँ पे ब्लास्टिंग जोन है, जब हम लद्दाख से घर जा रहे थे तब भी यहीं पे फंसे थे और अभी भी यहीं पे फंसे हैं। और दूसरा मैटर ये है कि खाने पीने को पानी नहीं, खाने को खाना नहीं, रहने को छत नहीं, हंसने को शक्ल पे ऐसी रही, जबरदस्ती कैसी आ रही है। मूलभूत आवश्यकता से दूर हालत बहुत डाउन हो गई है, क्या ही करें। एक तो ये धूप, ये किधर से ले आया, इसकी गाड़ी को किन रास्ता दे दिया। अरे नहीं, अरे नहीं, पत्थर गिरेगा ना ऊपर से, बैठ 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 के चक्कर में वहीं बैठे रह जाओगे। हाँ दाना कैसे? दाना वो बस इसका जॉइंट होता है, हाँ दोनों तरफ से होता है ये। देखो ना ये बाहर भी अंदर भी दोनों तरफ से ढप देनी होता है। शीशा लग लेना पड़ता है, शीशा क्या? शीशा तो आएगा ना तो ऐसे ही आएगा, शीशे में लगा हुआ ही आएगा, ये चीज लगी हुई आएगी शीशे में ये। अच्छा ये लगी आती है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कुल्लू, मनाली ऐसे 20-25 किलोमीटर बाकी है, कुल्लू से अंदर आ गए। और हालत देखो सबकी, इनकी हालत देखो। तो फिलहाल टाइम हो गया है, कितना हो गया ये, 7:28 और कल रात के 11:30 के निकले हुए। अब पहुँचे हैं मनाली, इधर बस स्टैंड है और मैं और सुशील भाई आ गए हैं, बाकी दो बाइक पीछे आ रही है। अभी होटल ढूंढते हैं, उसके बाद रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, फिर खाना खाएंगे, फिर मिलते हैं शायद मॉल रोड जाएंगे घूमने। अभी फाइनली आ चुके हैं अपने होटल में, और होटल में हमें सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता रूम मिला है, मतलब वही मुंशियारी वाला रेट 500 रुपये। ये डबल बेड, ये तो हमने सामान फैला दिया है, इन्होंने नक्शा भी कुछ इतना अच्छा लग रहा था इसका, अभी सब कुछ चेंज कर दिया है। हमारे वॉशरूम में भैया जी गए हैं छोटे वाले, और इधर ये लोग पड़े हुए हैं लावारिस। ये तो तैयार हो गए, चलानी है। ये बदबू, इतनी बदबू उठा रखी है इन्होंने, तो ये खाते नहीं है, ये पता नहीं क्या ये खाते हैं, मतलब दुनिया ही दूसरी है इनकी। तो अभी जा रहे हैं माल रोड खाना खाने, उसके बाद सुबह जितना जल्दी होगा उतना जल्दी यहाँ से निकलते हैं, जाना है रोहतांग पास, उसके बाद रोहतांग से आगे जहाँ तक भी पहुँचेंगे। तो कल निकले थे लगभग 11:00 कल निकले थे लगभग 11:00 और पहुँचते पहुँचते आज बज गए 7:00।
मतलब पूरा दिन और पूरी रात हमारी बेकार हो गई। अभी निकलते हैं खाना खा के, फिर मिलते हैं।